हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टली। हमें बच्चों क्या लिखना है, क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल राइट करनी है और हमारे पास क्या गिवन है, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमारे पास गिवन है। अगर बच्चे आप देखिए, अगर सम ऑफ द जीरोज पहले है तो पहले सम ऑफ द जीरोज की वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बाद में है तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की वैल्यू बाद में, ये बात का ध्यान रखना। कभी बच्चे उल्टा कर देते हैं, कभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को 1/4 एंड सम ऑफ जीरोज को -1। यहाँ से ध्यान रखना आपने कि अगर हमारे पास सम पहले है तो इधर से वैल्यू भी पहले होगी और प्रोडक्ट बाद में है तो प्रोडक्ट बाद में होगा। क्लियर। अब हमें देखो बच्चे, वैसे तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास टू मेथड हैं। एक बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप से होती है, हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर। बट अब हम क्या करेंगे, और हमारे पास सम ऑफ द जीरोज गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज गिवन है, यहाँ से हम ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे ए बी और सी की वैल्यू, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। बट उससे भी इजी हमारे पास तरीका है, एक आपने ध्यान रखना है हमारे पास क्या गिवन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखिए हमारे पास क्या गिवन है, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज 1/4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज -1, ये हमारे पास गिवन है बच्चों। इसके लिए एक तरीका तो मैंने बताया, सम ऑफ द जीरोज क्या होते हैं हमारे पास पता है आपको। सम ऑफ जीरोज में हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 और ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू सी बाय ए, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। आ गई हमारे पास तीनों वैल्यू, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हम वो वैल्यूज रख सकते हैं। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड आपके पास देखिए, एक्स का स्क्वायर माइनस, बहुत ईजी है, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। क्लियर। ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। देखिए, x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये करना तभी है, ये फॉर्मूला लगाना तभी है आपको, जब आपको सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज गिवन हो। क्लियर। आपको ये नहीं, अगर आपको जीरोज गिवन है, अगर आपको जीरोज गिवन है, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने क्वेश्चन, एक तरीके से नहीं आता क्वेश्चन, ये नहीं होगा कि हमेशा आपने डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा देना है। आपने ये भी ध्यान रखना है, जब हमारे पास सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज गिवन होगा तभी आप इस वे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अगर आपको जीरोज गिवन होगी, जीरोज गिवन होगी, उससे पहले हम सम ऑफ द जीरोज बनाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बनाएंगे, तब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, तब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्लियर। देखिए, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज कितने हैं, 1/4 इंटू में एक्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज -1। क्लियर। एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना है 4, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू में 0, तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्लियर। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए, हमारे पास सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस कितना गिवन है, हमारे पास सम ऑफ द जीरो √2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट
of the zeros 1 by 3. और आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज. क्लियर? देखिए x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज कितनी है आपके पास, रूट टू इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 1 by 3. तो इसको सही लिखिए, रूट टू एक्स प्लस 1 by 3. क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, इक्वल टू में 0. 3 हमारे पास क्या आया बच्चों, एलसीएम. तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गई, 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1 इक्वल टू में 0. आप सभी बच्चों को एलसीएम लेना तो आता होगा. देखिए 1 और 3 का एलसीएम कितना है, 3. 3 को 1 से क्या करेंगे डिवाइड, तो कितना आएगा 3. 3 को मल्टीप्लाई 3x का स्क्वायर, 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 3. 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे लिखना है, अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा. रूट वाली टर्म हमेशा रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी. क्लियर? 3√2x प्लस में 1. तो आप लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1. ये आपके पास बच्चों आंसर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो.